बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वहां पर वो गुरु अपने सभी शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। वो गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वो गुरु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार से निपुण बनाते थे। उनके पास आसपास के सभी राजा महाराजाओं के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और अपनी शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद वहां से अपने राज्य लौट जाते थे। ऐसे में एक बार पास के ही नगर के राजा कुंवरजीत की सारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद कुंवरजीत ने अपने राज्य जाने का निर्णय कर लिया था। फिर कुंवरजीत ने अपने गुरु से आज्ञा मांगी। गुरु ने कुंवरजीत को अपने राज्य जाने की आज्ञा तो दे दी थी, लेकिन जाने से पहले गुरु ने कुंवरजीत को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ उसको तुम अपने जीवन में सदैव स्मरण रखना, और यदि तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। गुरु की ऐसी बातें सुनकर कुंवरजीत ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आखिर कौन सी बातें हैं जिन्हें मुझे हमेशा याद रखना है। फिर गुरु कुंवरजीत से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, पैसा गाठ तो जोरू साथ। दूसरी बात, छत की बहन। और तीसरी बात, अछत का भाई। चौथी, रसवरी नगरी। पांचवी, विश्वेली कन्या। छठी, जागे सो पावे। और सातवीं, सोवे सो खोवे। इसके बाद गुरु कुंवरजीत से कहते हैं कि बेटा, मेरी इन बातों को गांठ बांध लो और जीवन में सदैव इनका ध्यान रखना। अपने गुरु की बात सुनकर कुंवरजीत उन बातों को गांठ बांध लेता है और गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य के लिए निकल जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने राज्य पहुंचता है। राज्य पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि शत्रु देश के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है और अपना अधिकार जमा लिया है और उसके पिता और भाई को कैद खाने में डाल दिया है। ये सब देखकर कुंवरजीत ने सोचा कि मेरा भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर मैं भी यहाँ रुका तो ये लोग मुझे भी बंदी बना लेंगे और कैद खाने में डाल देंगे। यही सोचकर कुंवरजीत वहां से चला जाता है और सोचने लगा कि किस तरह से अपना राज्य वापस लिया जाए। तभी उसे अपने ससुराल का ख्याल आया कि उसकी पत्नी अभी मायके में है। ये सोचकर कुंवर ससुराल वालों से मदद लेने के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने ससुराल के राज्य में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। फिर कुंवरजीत उन स्त्रियों के पास गया और उनसे जाकर बोला कि आप मेरे ससुर को खबर भिजवा दो कि उनके जवाई आए हैं। कुंवर की ऐसी बातें सुनकर उन स्त्रियों ने तुरंत जाकर राजा को ये खबर दे दी। ये सुनकर कुंवर के ससुर ने पूछा कि जवाई किस हाल में आए हैं, तो उन स्त्रियों ने जैसा देखा था वैसा ही बता दिया। स्त्रियों के मुख से अपने जवाई का हाल सुनकर कुंवर के ससुर ने अपने खास नौकर द्वारा ये खबर भिजवाई कि आप हमें इस तरह शर्मिंदा करने के लिए क्यों आए हैं। अगर बेटी को ले जाने आए हैं तो लाभ लश्कर लेकर आए, घोड़े पर सवार होके आए, शान से आए। इस तरह फटे हाल में आने से तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। राज्य में हमारी इज्जत है, आप उसे क्यों बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। नौकर द्वारा ससुर की ऐसी बातें सुनकर कुंवर बड़ा निराश हुआ और वहां से चल दिया। तब उसे अपने गुरु की पहली बात याद आई कि पैसा गाठ तो जोरू साथ। कुंवर सोचने लगा कि उन्होंने ठीक कहा था कि जोरू भी तभी साथ रहेगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा। कुंवर पछताता हुआ दुखी मन से चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी बहन का राज्य आया। उसने बहन के महल में जाने की सोची। बहन के राज्य की सीमा पर एक मंदिर था। वो मंदिर में गया और पुजारी के द्वारा अपने आने का संदेश अपनी बहन को भिजवा दिया। पुजारी ने तुरंत जाकर बहन को बताया कि उसका भाई आया है। बहन ने पुजारी से पूछा कि मेरा भाई कैसा है और किस हाल में आया है। बहन की बात सुनकर पुजारी ने बोला कि हाल तो उसका बहुत खराब है, उसके कपड़े भी बहुत गंदे हैं और साथ में कोई नौकर चाकर भी नहीं है। पुजारी के मुख से ये बातें सुनकर बहन ने पुजारी से कहा कि मेरे भाई से जाकर कहना कि अगर आना ही था तो नौकर चाकर और लाभ लश्कर लेकर घोड़े पर सवार होकर बड़े स्थान से आते। इस तरह फटे हाल आकर ससुराल में मेरी खिल्ली ना उड़ाए। पुजारी बहन के द्वारा कही गई सारी बातें कुंवर को सुना देता है। पुजारी के मुख से अपनी बहन द्वारा कही गई बातें सुनकर कुंवरजीत को बड़ा दुख हुआ और उसे तुरंत अपने गुरु द्वारा कही गई दूसरी बात याद आ गई कि छत की बहन। इसके बाद वो वहां से चला गया। चलते चलते वो सोच में डूबा हुआ था कि धन संपत्ति न होने के कारण अपनी सगी बहन भी संकट में साथ छोड़ देती है। 2-3 दिन के सफर के बाद
वो अपने ननिहाल में पहुंचा। उसके नाना के कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुंवर के एक भाई को बचपन में ही गोद ले लिया था। कुंवर के मन में अपने भाई को लेकर तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उसे शंका थी कि उसका भाई भी उसे नहीं पहचानेगा। फिर भी वो अपने कदम महल की तरफ बढ़ा रहा था और उसका भाई झरोखों में बैठा हुआ था। उसने कुंवर को ध्यान से देखा। उसे यकीन हो गया था कि कुंवर उसका भाई है, तो वो अपने भाई की तरफ दौड़ा और उसे गले लगा लिया। कुंवर के भाई ने कुंवर के मेले कचोलों कपड़ों की परवाह नहीं की और वो कुंवर को गले लगाए रखा और दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। वो कुंवर को खूब मान सम्मान के साथ महल के भीतर लेकर गया और भीतर ले जाने के बाद उसने कुंवर को बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिए और नाना प्रकार के भोजन करवाए। इसके बाद भाई ने कुंवर का हालचाल पूछा। कुंवर ने अपने भाई को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद भाई ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रहो, तब तक मैं पिताजी और भाई को छुड़ाने की तैयारी करता हूँ। इसके बाद कुंवर अपने भाई के महल में आराम से रहने लगा। वो महल में रहते हुए अपने भाई और पिता को छुड़ाने की योजना बनाता रहता था और फिर उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसी समय उसे अपने गुरु की कही बात याद आ गई थी कि छत की बहन और अनछत का भाई। गुरु द्वारा कही गई दोनों ही बातें सच निकली। फिर एक दिन कुंवर को शिकार खेलने की इच्छा हुई। उसने तुरंत अपने मन की बात अपने भाई को बताई। कुंवर की बात सुनकर भाई ने तुरंत कुंवर की सुरक्षा के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुंवर के साथ शिकार पर जाने की व्यवस्था की जाए। सिपाहियों ने तुरंत उनके आदेश का पालन किया। इसके बाद कुंवर सिपाहियों को साथ में लेकर शिकार खेलने के लिए निकल गए। शिकार खेलते खेलते कुंवर जंगल में रास्ता भटक गए और सिपाही भी पीछे रह गए। शाम भी होने वाली थी। कुंवर रास्ता ढूंढते ढूंढते दूसरे नगर में जा पहुंचा। जब वो दूसरे नगर में पहुंचा तब वहां पर काफी अंधेरा हो चुका था। फिर उन्होंने उसी नगर में रात गुजारने की सोची। वहां पर कुछ ही दूर पर कुमार का घर था। कुंवर वहां रात बिताने के लिए ठहर जाता है। कुमार ने कुंवर को भोजन करवाया और उसके विश्राम की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद कुंवर विश्राम करने के लिए जा ही रहा था, तभी उस राज्य के सिपाही आए और उस कुमार के इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाने लगे। ये देखकर कुमारिन जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर कुंवर ने कुमारिन से पूछा कि क्या बात है, सिपाही तुम्हारे बेटे को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? तो कुमारिन ने बताया कि बेटा, राजा के सिपाही रोज एक घर से एक लड़का ले जाते हैं और उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो लड़का मरा हुआ मिलता है और आज मेरे बेटे की वारी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। मेरा तो एकमात्र यही सहारा है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम जीकर भी क्या करेंगे, हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। कुमारिन की ऐसी बातें सुनकर कुंवर बोला कि माता, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उनके साथ आपके बेटे की जगह जाऊंगा। कुंवर की बात सुनकर कुमारिन ने बोला कि नहीं बेटा, तुम तो हमारे अतिथि हो और मैं तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर कैसे भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ की गोद को सूनी नहीं होने दूंगी। लेकिन कुंवर नहीं माना। उसकी जिद के आगे कुमारिन की एक ना चली। आखिर में कुमारिन मान ही गई और फिर राजा के सिपाही कुंवर को लेकर अपने राजमहल पहुंच गए। राजमहल आने के बाद राजा ने कुंवर का और राजकुमारी का विवाह करवा दिया। रात हो चुकी थी। कुंवर रात को चौपड़ बिछाकर बैठ गया। राजकुमारी आधी रात तक खेलती रही। फिर उसे नींद आने लगी तो वो सो गई, लेकिन कुंवर जागता रहा क्योंकि उसे अपने गुरु की बात याद आ गई थी कि रसभरी नगरी विषबेल कन्या, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। कुंवर चौकन्ना होकर अपने आने वाले खतरे का इंतजार करने लगा। अचानक कुछ आवाज और कुंवर चौंका, तभी उसकी नजर राजकुमारी के चेहरे पर गई। वो राजकुमारी के चेहरे को देखकर हैरान हो गया। राजकुमारी की नाक से एक नाग निकला। ये देखकर कुंवर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। राजकुमारी की नाक से निकलकर वो नाग बहुत बड़ा हो गया और फुकारता हुआ कुंवर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुंवर तो पहले से तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाली और नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुंवर को पूरा माजरा समझ में आ चुका था कि रोज शादी के बाद लड़के क्यों मर जाते हैं। कुंवर ने उस नाग की हत्या कर दी। कक्ष के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। कुंवर मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज रात मैं सो जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन मैंने जागकर अपने संकट को दूर किया है। सुबह होने पर जब सिपाही हमेशा की तरह लाश उठाने के लिए आए तो पहले तो कक्ष में खून ही खून देखकर वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने कुंवर को जिंदा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़े दौड़े राजा के पास गए
और वहां जाकर उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। जब राजा ने ये खुशखबरी सुनी तो उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत कुंवर के पास गए और उन्होंने कुंवर को अपने गले से लगा लिया। कुंवर कुछ दिनों तक अपने ससुराल में रहा और फिर कुंवर अपने भाई के महल लौट आया। उसने अपने भाई को सारा किस्सा बताया। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों भाई सेना लेकर अपने राज्य गए और वहां शत्रु राजा को हरा कर अपने माता पिता और भाई भाभियों को कैद से छुड़वा लिया और खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। कुंवर के पिता ने कुंवर को सीने से लगा लिया। कुंवर को अपने गुरु द्वारा बताई गई बातें हमेशा के लिए काम आई। उसने अपने गुरु की उन बातों को जीवन भर याद रखा, वो उन्हें नहीं भूला। कुंवर का जीवन बहुत ही अच्छे से बीता, उसके पास कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। गुरु की इन 7 बातों ने उसका जीवन संवार दिया। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में हर परेशानी हर परिस्थिति से लड़ना है तो इन 7 बातों का हमेशा